आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम टेस्टी और मज़ेदार शबे बारात के लिए स्पेशल, खास त्योहारों के लिए स्पेशल, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला चने की दाल का हलवा। चने की दाल की कतली वाला हलवा तो आपने बहुत बार खाया होगा। एक बार मेरे तरीके से इस हलवे को बना करके देखिए, पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे जब आप इसको हमारे तरीके से बनाएंगे एकदम आसान मेथड से। रेसिपी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर इस टेस्टी से मज़ेदार चने की दाल की हलवे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज बनाएंगे एकदम टेस्टी और मज़ेदार शबे बारात के लिए स्पेशल चने की दाल का हलवा। यहाँ हमने एक कप चने की दाल ली है और इसको अच्छे से वॉश करके हमने 4 से 5 घंटे के लिए इसको भिगो दिया है। 5 घंटे हो गए हैं तो अब हमने चलनी में डालकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। यहाँ कोई भी सॉफ्ट सूती कपड़ा ले लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हमारी भिगोई हुई दाल। दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। ऐसा करने से दाल के ऊपर जो पानी लगा हुआ होता है ना, वो अच्छे से सूख जाएगा। आप चाहे तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। ऐसा करने से जब हम दाल को फ्राई करेंगे ना, तो ये जल्दी से भुन जाएगी और इसके छींटे भी नहीं उड़ेंगे। वरना क्या होता है, दाल के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, हम उसको फ्राई करने लगते हैं ना तो बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं। तो ऐसा करने से जो है छींटे भी नहीं उड़ेंगे और दाल भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। यहाँ एक मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर डालेंगे घी। तो हम इसको देसी घी में बना रहे हैं। देसी घी में हलवे का फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया आता है। 4 से 5 टेबल स्पून डालेंगे। आप चाहे तो इसे डालडा में भी बना सकते हैं। अब इसमें चना दाल को डालेंगे और इसको लो टू मीडियम पर चलाते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर हम दाल को तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से एकदम गोल्डन हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। लो टू मीडियम पर फ्राई करने से दाल एकदम अच्छे से फ्राई हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। जब हम दाल को पीस कर भूनते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कसर बाकी रह जाती है और वो फ्लेवर नहीं आता है जो हलवे के अंदर आना चाहिए। इसीलिए हम आपके लिए एक ऐसा आसान तरीका लेकर आए हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो एकदम टेस्टी और एकदम सौंधी खुशबू वाला हलवा बन करके तैयार होगा। इस हलवे को बनाने में मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है, मगर रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आता है। एक ख़ास बात यह है इस हलवे की कि आप इसको इस तरीके से फ्राई करके पीस करके स्टोर कर सकते हैं और जब आपका मन करे आप इसको बना करके खा सकते हैं। लो टू मीडियम पर फ्राई करते हुए दाल का कलर देखिए, एकदम लाल हो गया है, एकदम गोल्डन हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। देखिए, दाल को हमने मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो इसको हम पल्स पर पीसेंगे, ऑन ऑफ करते हुए पीसेंगे तो ये एकदम आसानी से पीस जाएगी। और इसका टेक्सचर देखिए, एकदम दरदरा सा पीसा है हमने इसको। इस पैन में हमने दाल को फ्राई किया है, वही पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे घी। सारा घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पीसी हुई दाल। इसको हम लो टू मीडियम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ये एक कप चना दाल हलवे में हम टोटल 3/4 कप घी का यूज़ करेंगे। वैसे तो हमने दाल को एकदम अच्छे से फ्राई किया है, मगर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो इस तरीके से भूनने से पूरी हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए हम इसको लो टू मीडियम पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। दाल का मिक्सचर अच्छे से भुन गया है। देखिए, भूनते हुए ये एकदम दानेदार हो गया है और एकदम खिल गया है ये। अब हम इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए और एकदम सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे 3 कप दूध। हम यहाँ दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको पानी के साथ भी बना सकते हैं। इसको लो टू मीडियम पर मिक्स करते हुए चलाते हुए इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो इसके अंदर केसर को दूध में भिगोकर भी डाल सकते हैं। फूड कलर और केसर दोनों ही ऑप्शनल है, मगर डालेंगे तो कलर जो है थोड़ा इसका अच्छा आएगा।
साथ ही यहाँ 1 कप दूध पे से निकली हुई मलाई ली है, ये डालेंगे। इसको डालने से एकदम मावे जैसा टेक्सचर आएगा और फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते हुए हम इसको लो टू मीडियम पर पकाएंगे। पहले हम इसको दूध के साथ अच्छे से पका रहे हैं, ऐसा करने से हलवा एकदम सॉफ्ट बनेगा, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। बाद में हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। दूध के साथ पकाते हुए हलवा एकदम सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो यहाँ हमने 1 कप शक्कर ली है, आप चाहे तो 3 से 4 टेबल स्पून शक्कर इसमें और डाल सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे और शक्कर डालने की वजह से अभी शक्कर जो है पानी रिलीज़ करेगी। और देखिए एकदम शक्कर ने पानी को रिलीज़ कर दिया है, तो इसको भी हम सुखा लेंगे। हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वीट डिश की रेसिपी अपलोड है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, आप जाकर के चेक कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपीज है। लगातार चलाते हुए हलवे ने पैन को छोड़ दिया है, तो ये हलवा जो है तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून देसी घी, इससे बहुत ही बढ़िया शाइन आएगी ऊपर से डालने से और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, तो यहाँ हमने काजू बादाम और खिसा हुआ नारियल लिया है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लास्ट में डालने की वजह से ड्राई फ्रूट का क्रंचीपन बरकरार रहता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इतना टेस्टी हलवा बनकर के तैयार हुआ है जो मुंह में जाते ही घुल जाएगा, एकदम सॉफ्ट और एकदम दानेदार। रेसिपी को फॉलो करेंगे तो एकदम टेस्टी और दानेदार हलवे को आसान तरीके से घर पर बना पाएंगे। चलिए गुलदस्ता के पास चलेंगे और गुलदस्ता इसको टेस्ट कर कर बताएंगे कि ये हलवा कैसे बना है। देखिए हम आ गए हैं गुलदस्ता के पास और गुलदस्ता इसको टेस्ट कर कर बताएंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टेस्टी। मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाया हलवा, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। देखिए गुलदस्ता आपको भी बुला रहे हैं खाने के लिए। आ रहा है ना देखकर मुँह में पानी। अगर आपको हमारी हलवे वाली रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।